चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का एक तो क्लास ऑलरेडी हमारा अवेलेबल है, जो कलर कोडिंग वाला क्लास अगर देखे हो तो वहाँ पे हमने कलर कोडिंग के हिसाब से फिर कौन सा बकेट में, जो जैसे बकेट का कलर कोडिंग होता है येलो रेड एंड देन हमारा वाइट ब्लू ब्लैक ग्रीन वाला जो बकेट्स होते हैं, सो हर एक बकेट में क्या क्या चीज़ें डालना चाहिए वो सारे चीज़ें हमने बताया हुआ है। अगर देखे हो वो कलर कोडिंग क्लास तो फिर वो डेफिनेटली देखा होगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। देखो वो कलर कोडिंग वाला क्लास क्या? यस ओके सर चलो फिर, चलो तो थोड़ा सा हम वो रिवाइज भी करवा देंगे, लेकिन अभी के लिए चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो पहला वाला देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल जो है ना, वो पहले शुरुआत हुआ था 1998 को। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, या हम बोलते हैं BMWM, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल है, ठीक है ना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल, ठीक है, वो आया था शुरुआत में इन 1998। एंड ये कौन दिया था? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल कब आया था। योर आंसर शुड बी, जल्दी बताओ, आंसर शुड बी 1998, ठीक है ना। और कौन दिया था ये रूल, कौन प्रिस्क्राइब किया था? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट। वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बेसिकली हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्या क्वेश्चन है? द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। स्टेप के अंदर आएंगे तो स्टेप्स क्या होता है, स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कौन बोलेगा? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? किसी को पता है कुछ? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? पता है? नहीं। उससे पहले थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं डेफिनेशन के रिगार्डिंग, और थोड़ा और भी आसान हो जाएगा मतलब स्टेप्स जानने के लिए। तो पहले, बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च और प्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन और एनिमल्स इज गिवन बाय द WHO। ये WHO ने बोला बायोमेडिकल वेस्ट का जो डेफिनेशन है वो क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट आर जनरेटेड और इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम पेशेंट का, जब कोई डिजीज़ का डायग्नोसिस कराते हैं उस टाइम पे हम कुछ जैसे ब्लड सैंपल्स लेते हैं, ठीक है ना। ब्लड सैंपल लेने के टाइम हम तो सीरिंज यूज़ करते हैं और मतलब वैक्यूटेनर यूज़ करते हैं। एंड ब्लड सैंपल लेने के लिए हम कुछ जैसे कि मतलब सैंपल लेने के लिए, लेने के बाद भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर स्लाइड्स यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं लेने के टाइम, फिर हम यूज़ करते हैं कॉटन स्वाब्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। वो डायग्नोसिस के दौरान हमें बहुत सारे वेस्ट मिलता है, एंड ये वेस्ट सारा जो है ना वो है बायोमेडिकल वेस्ट। तो कब जनरेट होता है? जो WHO के हिसाब से इसने बोला कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो जनरेट होता है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, और जब हम कुछ टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का, या फिर कभी अगर ट्रीटमेंट देना हो पेशेंट को तो फिर ट्रीटमेंट के दौरान होता है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर किसी का IV फ्लूइड लगाना है या फिर कैथेटर लगाना है, तो उस टाइम पे भी ट्रीटमेंट देने के टाइम भी कुछ वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है ना। फॉर रिसर्च पर्पोज़ भी, हम जैसे कि कोई ब्लड सैंपल लेना या फिर कुछ ड्रग्स देना, उस टाइम पे भी रिसर्च के टाइम हमारा क्या होता है, कुछ वेस्ट जनरेट होता है। सो दिस आर कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट वो बोला जाता है जो कि जनरेट होता है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च और प्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। यहाँ पे क्या बोला? प्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मतलब जब कोई बेबी पैदा करना हो उस टाइम के अंदर, मतलब दौरान प्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस और एनिमल्स, तो उसी टाइम के दौरान हमारा सारा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, राइट। अब यहाँ पे
बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास ना बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है ना। व्हाट आर द स्टेप्स और प्रोसेस, यहाँ पे बोल सकते हो व्हाट आर द स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सो नंबर वन इज योर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। नंबर टू इज द कलेक्शन, कलेक्शन एंड द स्टोरेज। नंबर थर्ड इज योर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नंबर फोर इज योर ट्रीटमेंट एंड नंबर फाइव इज योर डिस्पोजल। तो कितना स्टेप्स हुआ पूरा, बायोमेडिकल वेस्ट जब हम हैंडल करते हैं उस टाइम के दौरान हमारा क्या क्या स्टेप्स होता है। पहला वाला स्टेप बताओ, सेग्रीगेशन। व्हाट डू मीन बाय सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। हाँ, मतलब जहाँ पर हमारा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई लैब में काम करते हैं, तो लैब के अंदर जब हम काम करते हैं वहाँ पे जैसे ब्लड ड्रॉ किए तो उसमें हमारा सिरिंज लगता है, ठीक है ना, और उसमें क्या लगता है, कटन लगता है। फॉर एग्जाम्पल कटन स्वाब लगता है, तो कटन स्वाब को हम जहाँ पे डालेंगे, नीडल को थोड़ी ना हम वहाँ पे डालेंगे, और सिरिंज को जो प्लास्टिक डिस्पोजेबल मतलब आता है सिरिंज आता है उसको, क्या वो हर हर चीज़ को एक ही जगह पे डालेंगे, नहीं डालते, ठीक है ना। तो उसको क्या करना, अलग अलग बकेट में डालना, अलग अलग बैग में डालना, इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप मतलब क्या, ये सेग्रीगेशन वाला स्टेप, बात समझ रहे हो ना। तो ये सेग्रीगेशन वाला स्टेप कहाँ पर शुरू होता है, एट द पॉइंट वेयर देर इज जनरेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। जो जगह पे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है वहां पर सेग्रीगेशन वाला स्टेप चलता है, ठीक है ना। एट द पॉइंट ऑफ, एट पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, जनरेशन, जनरेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जो पॉइंट पे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है वहां से सेग्रीगेशन शुरू होता है। तो मैंने क्या बोला, जैसे कि हम वार्ड में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वार्ड में हमारा क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटी है जनरेट होने का वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने कुछ खाना खाया, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर कोकोनट, टेंडा कोकोनट खाया, और उसका जो सेल है उसको कहाँ पर डालेंगे, येलो बकेट में डालते हैं, नहीं, कहाँ पर डालेंगे बताओ, ब्लैक, ब्लैक। हाँ, तो बेसिकली ब्लैक और ग्रीन आजकल कंसेप्ट आ गया ब्लैक और ग्रीन का, तो ग्रीन और ब्लैक और जनरल वेस्ट को बेसिकली हम ब्लैक में डालते हैं, ठीक है ना। तो ब्लैक में भी डाल सकते हैं उसको, अगर कंसेप्ट वो ब्लैक और ग्रीन का नहीं है तो फिर ब्लैक का हम ब्लैक के अंदर डाल सकते हैं। अगर ये ब्लैक के अंदर डालते हैं तो फिर एग्जांपल के तौर पर येलो बकेट में क्या डालेंगे, येलो बकेट में सारा हमारा एनाटोमिकल वेस्ट, हाँ या ना, बोलो, सारा एनाटोमिकल वेस्ट इसी के अंदर जाएगा, तो थोड़ी ना हम येलो के अंदर डाल देंगे, वो नहीं डालते, ठीक है ना। सो जहाँ पर हमारा क्या होता है ना जनरेट होता है बायोमेडिकल वेस्ट, वही पॉइंट पे हम सेग्रीगेट करके अलग अलग जगह पे अलग अलग बैग में हम क्या करते हैं, डालते हैं जो भी वेस्ट हमारा जनरेट होता है, वो चाहे लैब में हो, वो चाहे ओटी में हो, वो चाहे कोई भी जगह पे हो, तो हमें सेग्रीगेट वो जगह पे करना जहाँ पर हमारा वेस्ट जो है ना जनरेट होता है। क्या समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। चलो, यस सर। सो नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आ रहा है बताओ, नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड कलेक्शन, कलेक्शन एंड स्टोरेज, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं, स्टेप टू, स्टेप टू कॉल्ड अस व्हाट, कलेक्शन, कलेक्शन एंड स्टोरेज, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टेप वन में वो अलग अलग करके रख दिया हर एक जगह पे, जैसे येलो में क्या रखना, ब्लू में क्या डालना है, ग्रीन में क्या डालना, ब्लैक में क्या डालना, व्हाइट में क्या डालना, वो सारे अलग अलग करके हमने रख दिया। उसके बाद क्या करना, कलेक्शन करना है। बात समझ गए क्या, बात समझ रहे हो क्या, हाँ या ना, बोलो। यस सर। चलो, सो यहाँ पे बेसिकली जब हम कलेक्शन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कलेक्शन कहाँ से करना, कलेक्शन कहाँ पे करना, फॉर एग्जाम्पल हमारा हॉस्पिटल में एक ही तो एरिया है नहीं, कोई वार्ड होगा, ओटी होगा, आईसीयू होगा एंड ओपीडी होगा, वो अलग अलग जगह होता है। तो कलेक्शन हमें क्या करना, हर पॉइंट से करना होता है, हालांकि ये हमारा काम नहीं है बट वी शुड नो, ठीक है ना। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर अलग अलग जगह पे क्या होता है,
बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है. तो वी हैव टू कलेक्ट कलेक्ट द बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी. बात समझ गए है ना, बोलो. सो कलेक्शन मीन्स वॉट? कलेक्टिंग द वेस्ट, कलेक्टिंग द वेस्ट, कलेक्टिंग द वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स विद इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, विद इन हेल्थ केयर फैसिलिटी. एक इंस्टीट्यूट के अंदर डिफरेंट जगह होता है, डिफरेंट एरिया होता है जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है. उसको हमें क्या करना, कलेक्शन करना. उसके बाद क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट. मतलब हर जगह पे कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना है. किधर? एक टेम्पररी स्टोरेज यूनिट होगा हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना, जहां से फिर क्या होगा, एक गाड़ी आएगा, ट्रॉली आएगा, मतलब ट्रॉली में लेके जाएंगे, वहां पे डंप करेंगे और वहां से फिर लेके जाएगा गाड़ी जहां पर डिस्पोजल होता है, राइट. तो यहां पे हमें क्या करना होता है, टेम्पररीली स्टोरेज करना होता है हॉस्पिटल के एक पर्टिकुलर एरिया में. तो वहां तक तो लेना होगा ना फिर, ठीक है ना. तो डिफरेंट एरिया से कलेक्शन होगा और जाएगा किधर, हॉस्पिटल का एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर टेम्पररीली स्टोरेज होगा, ठीक है. सो ये जो कलेक्शन प्रोसेस होता है वो कब कलेक्शन होगा, इट शुड बी डन डेली. ट्रांसपोर्ट होगा एंड देन देयर विल बी अ टेम्पररी स्टोरेज. बात समझ गए. तो यहां पे याद रखना, जब हम ये कलेक्शन करते हैं तो यहां पे एक चीज याद रखना होता है, यू हैव टू यूज पीपीई फॉर एवरी, मतलब कलेक्शन, हर कलेक्शन के लिए पीपीई पहनना होगा. एंड द कलेक्शन शुड बी ऑन डेली बेसिस. डेली हमें कलेक्शन करना होता है. बात समझ गए. सो पीपीई पहन के हमें डेली कलेक्शन करना होता है हर एक पॉइंट से. बात समझ गए, हाँ या ना बोलो. एंड देन हमें क्या करना होता है थर्ड स्टेप में, वी हैव टू पैकेज, पैकेजिंग करना होता है, प्लस वी हैव टू लेबल, लेबलिंग करना पड़ेगा कि ये वाला ये है, वो वाला वो है. तो हमें लेबलिंग करना पड़ेगा और लेबलिंग करने के बाद वी हैव टू टेक इट टू द टेम्पररी स्टोरेज यूनिट जो कि हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड कलेक्शन एंड स्टोरेज विच इज स्टेप टू, ठीक है. अभी ये हॉस्पिटल के अंदर चला गया, उसके बाद क्या होगा, और एक ट्रांसपोर्टेशन. मतलब ये कहां से ट्रांसपोर्टेशन होगा, हॉस्पिटल से डिस्पोजल. बात समझ गए ना, जहां पर डिस्पोजल के लिए जाता है, ठीक है ना. वो डिस्पोजल यूनिट में उसको फिर ट्रीटमेंट वो देंगे. थर्ड स्टेप आता है जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ये वाला ट्रांसपोर्टेशन कहां से जाएगा बताओ? दिस इज फ्रॉम द टेम्पररी स्टोरेज यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल टू कहां पर जाएगा बताओ, जहां पर ये ट्रीटमेंट होने के लिए ना जाएगा, ठीक है ना. पैकेजिंग हो गया, ये जाएगा किधर बताओ, जल्दी बताओ. हाँ, मतलब जहां पर ये डंप किया जाएगा, जहां पर डिस्पोज किया जाएगा. कैसे लेके जाएंगे, आइदर इसको वैन में या ट्रॉली में लेके जाएंगे, ठीक है ना. तो इसको पैकेजिंग किया जाएगा, हाँ, वैन में ज्यादातर जाता है. तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, फ्रॉम कहां पर, फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी या हॉस्पिटल, ये या फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का जो स्टोरेज यूनिट होता है वहां से लेके जाएंगे कहां पर, टू द डिस्पोजल यूनिट, डिस्पोजल एरिया, हाँ क्या ना बोलो, वहां तक लेके जाएंगे, एरिया तक लेके जाएंगे, डिस्पोजल एरिया तक. यहां पर क्या होगा, उसके बाद नंबर फोर में ट्रीटमेंट. जो चीज को वो इंसिनरेट करना चाहिए, जिसको बर्न करना चाहिए वो बर्न करेंगे, जिसको केमिकल मतलब छिड़कना चाहिए, जिसके ऊपर है केमिकल के अंदर डुबा के रखना चाहिए उसको डुबा के रखेंगे, जिसको बरियल करना चाहिए मतलब मिट्टी के अंदर मतलब गाड़ देना चाहिए उसको, वो वैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा. सो नाउ द ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट ऑन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है. रिगार्डिंग डीप बुरियल हम बात करेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट के अंदर जो बात करेंगे तो बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे आता है. क्या क्या स्टेप, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ पे डीप बुरियल किया जाता है कुछ चीज़ों को, हम क्या करते हैं डीप बुरियल, जहाँ पर हम 2 मीटर से ज़्यादा मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 मीटर का हम गड्ढा बनाते हैं, उसके अंदर फिर डाल देते हैं जो कि बुरियल किया जाएगा. तो मैं बताऊँगा कैटेगरी ऑफ द वेस्ट क्या क्या कैटेगरी होता है, और कैटेगरी हर एक कैटेगरी के हिसाब से फिर हमें कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए वो चीज़ें मैं बताऊँगा. अभी के लिए बस याद रखो हाउ टू डू द ट्रीटमेंट. पहला वाला स्टेप क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट करना होता है, नंबर वन डीप बुरियल करके कर सकते हैं. दूसरा
इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब क्या, कौन बोलेगा? कटेड इनटू पीसेस और ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। हाँ, इंसिनरेशन नहीं, नहीं नहीं, वो श्रेडिंग वाला होता है। श्रेडिंग मतलब क्या, श्रेडिंग मतलब आता है छोटा छोटा पीस बनाना, ठीक है ना। लेकिन इंसिनरेशन मतलब क्या, बर्न करना, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, इंसिनरेटर करके एक मशीन आता है, उसके अंदर क्या होता है, हाई टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर में क्या क्या ट्रीट किया जाता है, जो भी हमारा वेस्ट होता है। हाँ हाँ बोलो। स्पेशली डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग दैट इज इंसिनरेशन। हाँ, इंसिनरेशन और विथ हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। एक्सेस टेम्परेचर यूज करके कोई भी चीज को अगर हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन। नंबर थर्ड, यू कैन गो फॉर ऑटोक्लेविंग एज वेल, ऑटोक्लेविंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट। नंबर फाइव क्या हो जाता है हमारा, डिस्पोजल, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप आता है क्या, डिस्पोजल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा फाइनल स्टेप। सो टोटल हमारा कितना स्टेप होता है, जल्दी बताओ। मैं डिस्पोजल, डिस्पोजल के रिगार्डिंग बताऊंगा, अभी के लिए ध्यान मत दो डिस्पोजल के ऊपर। डिस्पोजल के ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे, आगे है हमारा टॉपिक इसके ऊपर। तो पहला वाला स्टेप क्या हो गया बताओ जल्दी से। फर्स्ट वाला सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, वेरी गुड। सेग्रीगेशन में क्या किया जाता है बताओ। सेपरेशन ऑफ द मटेरियल। सेपरेट मतलब हर एक मटेरियल को हम सेपरेट करते हैं, और अकॉर्डिंगली हमारा जो भी कलर कोडिंग के हिसाब से फिर हमें वेस्ट को उस हिसाब से फिर डाल देना होता है। जैसे कि येलो में क्या डालना, ब्लू में क्या डालना है, ब्लैक में क्या डालना, वो सारे चीज को हम अलग अलग करके डालते हैं। करेक्ट, समझ में आ गया? यस सर। चलो, उसके बाद फिर कौन सा वाला स्टेप आता है, नंबर टू वाला क्या, जल्दी बताओ। कलेक्शन, नंबर टू इज योर कलेक्शन एंड स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है बताओ, थर्ड। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट नंबर फोर, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ठीक है। नंबर फाइव क्या इज योर डिस्पोजल। So these are going to be your five steps of biomedical waste management process, ठीक है ना, process, या फिर तुम steps बोल सकते हो, steps of biomedical waste management, ठीक है ना। You should remember these steps, exam में question पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा वाला है जो कि biomedical waste का एक step नहीं है, ठीक है ना, ऐसा वाला question पूछ सकता है। अभी मैंने थोड़ा थोड़ी देर पहले बताया ना वो segregate करना, let's talk about segregation, ठीक है। सेग्रीगेशन में हमारा क्या होता है ना, डिफरेंट कलर कोडिंग होता है, जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मतलब ये कलर कोडिंग वाला क्लास में बताया हुआ है। तो पहला वाला क्या आ रहा है हमारा, येलो, ठीक है ना। येलो में क्या क्या चीजें हमें डालना होता है, जल्दी बताओ, तुम लोग बताना और मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पे। मैंने क्या बोला, येलो मतलब एनाटोमिकल वेस्ट, एनाटोमिकल वेस्ट, इसके अंदर हमें एनाटोमिकल वेस्ट सारा जो है ना इसके अंदर डालना होता है। तो क्या डालेंगे बताओ इसमें, प्लासेंटा, प्लासेंटा डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ बोलो। यस, कोई एम्पुटेटेड बॉडी पार्ट हो गया, बॉडी पार्ट डाल सकते हैं। यस सर, यस सर। और क्या डालेंगे, ब्लड बैग, बॉडी फ्लूइड। यस, वेरी गुड, ब्लड बैग, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड बैग, ये ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लड बैग के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट, याद रखना। ब्लड बैग हालांकि ये प्लास्टिक का है, हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि रेड में इसको डाल देंगे, लेकिन नहीं, इसको किधर डालते हैं, येलो में डालते हैं, ठीक है। और क्या डालते हैं इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके अंदर डालते हैं। और क्या डालते हैं सर, यूज कॉटन एंड फ्लावर्स, कॉटन, यस, कॉटन वेस्ट को डाल सकते हैं जो कि कंटामिनेटेड हुआ है, लाइक ब्लड या बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेटेड हुआ है, है या ना, बोलो। कॉटन वेस्ट या फिर क्लॉथ जो कि कंटामिनेट हुआ हो, कंटामिनेटेड वाला, है या ना, बोलो, कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड कॉटन या फिर कंटामिनेटेड क्लॉथ, इसको सारे हम क्या करेंगे, इसी के अंदर डालते हैं। सो कंटामिनेटेड सिर्फ मतलब कॉटन और क्लॉथ नहीं,
हालांकि वो चाहे पेपर हो सकता है, कंटामिनेटेड पेपर, या फिर हो सकता है तुम्हारा फेस मास्क हो, ठीक है ना, या फिर तुम्हारा हो सकता है कि शू कवर हो, ठीक है ना, जो भी ब्लड या बॉडी फ्लूइड कुछ भी अगर लग गया, ये सारे हमें किधर डालना, येलो के अंदर डाल देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, अगर मान के चलते हैं कोई पेशेंट ना वोमिट किया, वोमिट को किधर डालेंगे, ये वाला येलो में, ठीक है ना, वो चाहे स्पूटम हो सकता है, या फिर वोमिट वोमिट वोमिटस हो सकता है, या फिर स्टूल हो सकता है, ठीक है ना, या फिर यूरिन हो सकता है, वो सारे चीजें किधर जाएगा, येलो के अंदर, ठीक है, और क्या जाएगा इसमें, ठीक है ना, वो बॉडी फ्लूइड हो गया ना, वो सारे बॉडी फ्लूइड इसी के अंदर जाएगा, हो सकता है बॉडी फ्लूइड के अंदर और क्या आ जाएगा, जैसे पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है, और क्या आ सकता है बताओ इसके अंदर, सारा एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्ड मेडिकेशंस, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड केमोथेरेपी ड्रग्स एंड साइटोटॉक्सिक मेडिकेशंस, ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे, साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक मेडिकेशंस लाइक केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है ना, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स मतलब जो केमोथेरेपी ड्रग्स वगैरह होते हैं उसको भी येलो के अंदर डाल, मतलब डाल दिया जाता है। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रेड वाला बैग, ठीक है, रेड बैग मतलब क्या, इसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग, इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम, ठीक है ना, इन्फेक्टेड प्लास्टिक सारा इसी के अंदर जाता है, ठीक है, क्या आएगा बताओ, नंबर वन सिरिंज, सिरिंज, बट यू शुड रिमेम्बर दैट शुड बी विदाउट नीडल, नीडल, ठीक है ना, अगर नीडल आ जाता है ना, वो नीडल किधर डालते हैं, पीपीसी के अंदर, हाँ, मतलब पंक्चर प्रूफ कंटेनर, जो कि बेसिकली क्या होता है, वाइट वाला होता है हमारा, ठीक है ना, सो नीडल को हम मतलब अगर नीडल लगा हुआ है इसके अंदर डालेंगे हम लोग, ठीक है ना, हाँ, और पीपीसी के अंदर क्या होता है, कौन बोलेगा क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पीपीसी के अंदर जो पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है हमारा, उसके अंदर बेसिकली उसको प्री ट्रीट किया जाता है सार्प इंस्ट्रूमेंट को, मतलब सार्प मैनेजमेंट में अगर प्रोटोकॉल पढ़ोगे ना, सार्प मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, उसमें लिखा होता है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए हम इसको ट्रीट करते हैं, उसके बाद फिर हम भेजते हैं। मान के चलते हैं कोई नीडल को हमने निकाला, सिरिंज को, जैसे कि हब कटर आता है, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, सिरिंज को ना हब कटर के साथ पहले काट लेते हैं, हाँ या ना, बोलो, आजकल तो वो सारा मतलब आजकल शायद प्रैक्टिस हो रहा होगा जहाँ पर सीरीज या नीडल को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बर्निंग मशीन आता है ना, बर्नर, बर्नर देखा है ना, जहाँ पे नीडल को डालते ही वो नीडल क्या हो जाए, जल जाता है, देखा है ना, वो वाला, वो बर्नर में डालते हैं, इलेक्ट्रिक बर्नर, लेकिन आजकल वो प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें से धुआं निकलता है और वो कार्सिनोजेनिक होता है बेसिकली, और क्योंकि वो मतलब मान के चलते हैं, जैसे हमने क्या किया, नीडल से कुछ ब्लड ड्रॉ किया या फिर कुछ हुआ, वो ब्लड वगैरह जो है ना वो बर्न होगा और उसमें से धुआं निकलेगा, और वो धुआं ही कार्सिनोजेनिक होता है, हमें वो धुआं को नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और इसलिए ज़्यादातर हमें क्या यूज़ करना, हब कटर, हब कटर यूज़ करने से बेनिफिट बहुत सारा है, बेनिफिट क्या, मान के चलते ये हो गया हमारा सिरिंज, ठीक है ना, ये हो गया हमारा हब, ठीक है, और इसमें से ऐसे कुछ नीडल लगा है, नीडल लगा है ऐसे, ठीक है, ऐसे नीडल लगा है, और ये हो गया हमारा प्लंगर, ठीक है, ये हो गया प्लंगर, तो हमें क्या करना होता है ना, ये हब को ना इसे इधर से काटना होता है, हब कटर से, क्यों काटना होता है बताओ, फर्स्ट वुड यू कॉट इट, इसको क्यों काटना जरूरी है, हब कटर यहां से मतलब काट लेते हैं, इसको क्यों काटना जरूरी है बताओ, अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं काटेंगे तो क्या होगा, ये जो सीरीज है, पॉसिबल ये भी है कि जो कंपनी इसको बनाया है वो कंपनी ना हो, मतलब कोई भी दूसरा इसको लेके, नीडल को हमने निकाल दिया, नीडल अभी बाहर मान के चलते हैं, अब ये दूसरा इसको रिसाइकल किया जा सकता है, हाँ या ना, बोलो, अगर नहीं काटेंगे तो इसको कोई ले लेगा, धो के फिर बना देगा और एक सीरिंज, हाँ या ना, बोलो, अगर इसको इधर से काट देंगे तो बेनिफिट क्या होगा, काटने से दोबारा यूज नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना बात, नहीं। तो इसलिए हमें इसको काट लेना चाहिए,
ठीक है, तो काटने से इट कैन नॉट बी यूज अगेन, तो इसीलिए हमें इसको काट देना चाहिए विद हब कटर। तो हब कटर ज़्यादातर आजकल यूज़ किया जाता है कंपेयर टू लाइक वो बर्नर, इलेक्ट्रिक बर्नर जो है। तो हब कटर के साथ इसको काट देंगे, काटने के बाद जो नीडल है वो नीडल को किधर डालेंगे, हब कटर के अंदर तो नीडल कलेक्ट होगा, वो सारे डालेंगे पीपीसी के अंदर। लेकिन पीपीसी के अंदर क्या होगा, ये पानी होगा, क्या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। इसके अंदर मिनिमम कितना टाइम डुबा के रखेंगे नीडल को, एटलीस्ट फॉर मिनिमम मिनिमम कितना टाइम, 20 मिनट्स, 20 मिनट एटलीस्ट इसके अंदर डुबा के रखना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड जो क्लोरीन है वो कितना रेसिडुअल का होना चाहिए, 30% रेसिडुअल। याद रखना 30% ऑफ द क्लोरीन रेसिडुअल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, दिस अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेम्बर। सीरिंज विदाउट नीडल हम डालेंगे किधर डालेंगे, मतलब नीडल को डालेंगे पीपीसी के अंदर, सीरिंज को तो डालेंगे किधर, रेड के अंदर। हब कटर काट लिया, नीडल को हमें डालना किसी के अंदर, पीपीसी के अंदर, वाइट बैग के अंदर डालना। उसके अंदर एटलीस्ट हमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट होना चाहिए, या फिर और इसको बोल सकते हैं 30% क्लोरीन रेसिडुअल उसके अंदर होना चाहिए सॉल्यूशन में। एंड इसको मिनिमम 20 मिनट्स के 20 मिनट्स तक डुबा के रखना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अभी उसके बाद क्या होगा, सीरिंज को हमने नीडल को तो ट्रीट कर दिया, सीरिंज को किधर डालते हैं, सीरिंज विल बी गो इन टू, सीरिंज इज गोइंग इन टू द रेड बैग, करेक्ट। मतलब इसमें नीडल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, समझ गए। अभी सीरिंज को डाल दिया रेड के अंदर, और क्या डालेंगे बताओ। नंबर टू, आईवी सेट डाल सकते हैं, यस, वेरी गुड। नंबर थर्ड, और क्या डालेंगे बताओ, यस, ग्लोब्स डालेंगे। किसी का बैकग्राउंड में नॉइस है तो प्लीज म्यूट रखना। काजल प्रधान, देखो ना तुम दोनों आईडी से, दो आईडी से ज्वाइन क्यों हो, आई थिंक सो इसलिए इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इको हो रहा है। चलो तो ये हो गया सिरिंज विदाउट नीडल्स, एक नीडल हो गया, दूसरा आईवी सेट हुआ, तीसरा ग्लोब्स हो गया, और क्या डालते हैं इसके अंदर, यूरिन बैग, यूरिन बैग डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं, डायलिसिस किट, डायलिसिस किट, और क्या डाल सकते हैं, आईवी बोतल, आईवी बोतल्स, हाँ या ना, बोलो सर, आईवी बोतल इसी के अंदर डाल सकते हैं, क्लियर। सर कैथेटर और कैथेटर, यस, कैथेटर कैन बी इवन गो इन टू द रेड बैग, ठीक है ना, कैथेटर भी डाल सकते हैं इसी के अंदर, कैथेटर। मतलब ये मान के चलो क्या डालते हैं, लीड, सुना नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो, ईसीजी लीड सर, ईसीजी, लीड, ईसीजी लीड, येलो में डालते हैं सर, वो ब्लू में जाता है, येलो में नहीं, और एक बार बोलो क्या डालते वो हो, रेड में लीड, लीड जो होता है ईसीजी लीड, लीड नहीं, लीड मत बोलना, ईसीजी सर का, एनजीओ, हाँ इसी से लीड नहीं बोला जाता, उसको क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रोड्स, गोल वाला होता है ना, इसे क्या इलेक्ट्रोड्स, बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, वेरी गुड। सो उसे हमें क्या डाल, कहां पर डालना बताओ, येलो में सर, येलो में डालते हैं, वेरी गुड, ब्लू, नहीं, येलो में डालते हैं, ब्लू में नहीं डालते, ठीक है। और सर इसी जिस जो स्ट्रीट है वो कौन भी सा येलो वाला, में, स्ट्रीट लैंसेट, मत, नहीं मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बोलो, मेरा आई थिंक सो कि शायद स्पीकर का कोई प्रॉब्लम होगा, आई थिंक सो, बताओ दोबारा और एक बार बोलो तो। सर लैंसेट, लैंसेट, लैंसेट किधर डालेंगे, वो तो सार्प हो गया ना, और वो जो स्ट्रीप, इसी चीज का वो जो वो स्ट्रीप तो आता पीपीसी के अंदर है, डालते हैं, ठीक ठीक है ना।
लैंसेट तो मतलब जो आरबीएस या फिर मतलब ग्लूकोज टेस्ट के लिए यूज करते हो या फिर हाँ मतलब ग्लूकोमीटर में जो लैंसेट यूज करते हो वो वाला बोल रहे हो क्या? वो तो मतलब उसके यस आगे तो लगता है ना, मतलब एक सुई लगता है ना वो आगे, वो तो सिमिलर टू सर, नीडल वो जैसा है होगा, और तो फिर हम पीपीसी के अंदर डालना जिसमें उसको। चेक करते हो, वो जो व्हाइट वाला है जिसमें चेक करते हैं, वो हाँ जो स्ट्रीक उसमें आता है चेक पीपीसी करता या वो। मतलब वाइट के अंदर डालना उसको, ठीक है? चलो तो वाइट बैग के अंदर क्या क्या डालना होता है? सारा सार्प, सारा सार्प जो कि बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, पीपीसी बोलते हैं या पंक्चर प्रूफ कंटेनर बोलते हैं, पंक्चर प्रूफ कंटेनर, कंटेनर ठीक है? तो क्या क्या डालेंगे इसको? नंबर वन नीडल डालेंगे। हाँ स्वेताश्री बोल रही है कि सर आरबीएस नीडल किधर डालते हैं बताओ, वही तो व्हाइट में डालेंगे ना। आरबीएस नीडल नहीं बोलते उसको, बोलते हैं क्या? लैंसेट बोलते हैं, बोल लैंसेट। और लैंसेट का आगे क्या होता है? मतलब ऐसे ही तो होता है ना, एक नीडल लगा होता है इसमें छोटा सा, ठीक है ना? और वो नीडल है तो मतलब किधर डालना? व्हाइट में डालना होगा, ठीक है? तो रॉयल क्यों क्या येलो रेड ये में जाएगा? रेड में जाएगा, ठीक है? यस चलो सर। सो व्हाइट के अंदर क्या डालना? पहले यहाँ पे नीडल डालना, और क्या डालना? सूचर वाला नीडल भी डाल सकते हैं इसको अगर हमें डालना, विदाउट फिर सीरिंज, सीरिंज सूचर नहीं, सीरिंज विथ नीडल, सीरिंज कौन सा वाला बताओ? एग्जाम्पल हब कटर में जिसको हम काट नहीं सकते वो हमारा क्या होता है? इंसुलिन सीरिंज, इंसुलिन, ठीक है ना? इंसुलिन सीरिंज को डाल सकते हैं। इंसुलिन सीरिंज ज्यादातर हम यूज करते हैं जैसे कि हम इंसुलिन देने के लिए या फिर एआरवी देने के लिए डालते हैं, है ना? यूज करते हैं एआरवी देने के लिए, एंटी रेबीज वैक्सीन, याद है किसी को एआरवी? तो एआरवी देने के लिए हमें कितना देना होता है? 80 यूनिट देना होता है एआरवी, राइट? हाँ फिर सिलुलता पूछ रही है यूरिन बैग किधर डालेंगे बताओ, यूरिन बैग किस में डालना चाहिए? रेड 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 में डालना चाहिए, रेड वेरी गुड। चलो सिरिंज विथ नीडल हमें किधर डालना? रेड के सॉरी व्हाइट के अंदर डालना होता है। व्हाइट नेक्स्ट, और क्या डाल सकते हैं इसमें? ब्लेड, ठीक है? ब्लेड और क्या डाल सकते हैं? क्या दोबारा बोलो? व्हाइट में सर ओनली शार्प आइटम, यस ओनली शार्प आइटम इधर ही डालना व्हाइट के अंदर, ठीक है? इसमें नीडल डालना है, सीरिंज विथ नीडल डालना, ब्लेड डालना है, और क्या डालना? स्कल्पेल डालना है, स्कल्पेल्स डालना है, और क्या? मेटल शार्प्स, मेटल शार्प्स सारे, इसीलिए तो बोला जाता है ना पंक्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं, नंबर फोर, ब्लू बैग में क्या डालना? ग्लास मटेरियल लाइक एम्पुल, यस सारा हमारा ग्लास मटेरियल इसी के अंदर आना चाहिए, ठीक है? बॉडी इम्प्लांट एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हाँ हाँ वायल्स, सर वायल्स एम्पल्स है ना, एम्प्यूल्स। अच्छा फिर पूछ रहे बॉडी कोई पूछ रहे सर ग्लूकोमीटर स्ट्रिप जो है, स्ट्रिप को किधर डालते हैं? स्ट्रिप मतलब क्या? ये एक तो प्लास्टिक है ना, फिर और स्ट्रिप प्लास्टिक है, एक तो प्लास्टिक है प्लस इसमें क्या होता है? ब्लड तो लगा होता है, हाँ या ना? हाँ मतलब ये मान के चलते हैं ये हो गया ग्लूकोमीटर, इधर एक मतलब क्या होता है ना पोर्ट होता है जिसके अंदर हमें स्ट्रिप को डालना होता है, यहाँ पर इसका मॉनिटर होगा, ठीक है? इधर दिखाएगा, और एक यहाँ पे स्विच होता है कंट्रोल वाला स्विच, एक मेमोरी वाला स्विच होता है, हाँ या ना बोलो? ऐसे स्विच होता है, हमें इसमें क्या करना होता है? इसी के अंदर यहाँ पर एक ना ऐसे आरो मार्क वाला सिंबल होगा, इसी के अंदर डालना होता है, और यहाँ पे एक ऐसे ग्रूव होता है जहाँ पर हमें क्या डालना होता है? ब्लड डालना होता है, याद है किसी को? तो अगर ये कंटामिनेटेड हो गया तो प्लास्टिक है ऊपर से और ब्लड कंटामिनेट हुआ तो किस में डालना होता है इसको? रेड में डाल दें, ठीक है ना? चलो चलो, तो ब्लू बैग में क्या डालना? वायल्स एम्प्यूल्स डालना होता है, और क्या डालना? स्लाइड, बॉडी इंप्लांट सर, हाँ स्लाइड डाल सकते हैं इसके अंदर, जो हमारा
कांच का स्लाइड होता है ना, स्लाइड्स जो कांच का स्लाइड ऐसे होता है हमें, हाँ स्लाइड होता है जो लैब में बेसिकली यूज किया जाता है, वो स्लाइड इसमें डाल सकते हैं राइट। और क्या डाल सकते हैं? मेटालिक इम्प्लांट्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विच इज वेरी डिफरेंट राइट। मेटालिक इम्प्लांट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा मेटालिक इम्प्लांट्स कहां पर डालना होता है, आंसर इज योर ब्लू बैग। ठीक है, नंबर फोर, और क्या डाल सकते हैं इसमें? सारा ब्रोकेन एंड अनब्रोकेन ग्लासेस, ब्रोकेन और अनब्रोकेन ग्लासेस। ठीक है चलो, सो नेक्स्ट ब्लू बैग के बाद कौन सा वाला आता है? मेटालिक इम्प्लांट में क्या क्या आएगा? मेटालिक इम्प्लांट्स में क्या आएगा? एग्जांपल के तौर पर जैसे किसी का ना, हमें मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पर, हाँ किसी का स्पाइन इंजरी हुआ था, हमने क्या किया, वो स्पाइन इंजरी को फिक्स करने के लिए कुछ मेटालिक इम्प्लांट्स दिया, एग्जांपल के तौर पर जैसे कुछ प्लेट्स दिया गया। बोन को फिक्स करने के लिए, कुछ इंटरनल फिक्सेशन के लिए हमने कुछ इम्प्लांट्स दिया, वो सारे क्या होता है? इम्प्लांट्स तो होता है ना मेटालिक वाला, ठीक है ना, वो सारे इसके अंदर डालते हैं। नंबर फाइव, समझ में आया? चलो नेक्स्ट आते हैं, ब्लैक के अंदर क्या डालते हैं? ब्लैक के अंदर बेसिकली तुम बोल रहे थे कि हमें ना यहाँ पे क्या डालना है, कोकोनट, तुम बोल रहे थे कि ना कोकोनट का जो सेल है उसको डालते हैं, एक्चुअली में नहीं डालते इसमें। ब्लैक और ग्रीन दो कंसेप्ट आया, अभी ब्लैक के अंदर सारा हमारा वो जाता है जो कि बेसिकली ड्राई वाला वेस्ट है, जनरल वेस्ट बट ड्राई। ग्रीन में क्या जाता है? बायोडिग्रेडेबल बट दैट शुड बी वेट। ठीक है, तो ब्लैक वाला बैग में क्या जाएगा? जनरल वेस्ट, जनरल वेस्ट। ठीक है, जनरल वेस्ट के अंदर यहाँ पे क्या जाता है? एग्जाम्पल के तौर पर नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट इसके अंदर जाता है, जनरल नॉन इन्फेक्टेड, जनरल नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट जाएगा। इसमें क्या जाता है? पेपर जाता है, ठीक है ना, ऑफिस पेपर वगैरह जो भी हम यूज करते हैं, टिश्यू वगैरह इसी के अंदर जाता है नॉर्मली, ठीक है ना। नंबर सिक्स, जैसे हमारा आता है क्या? ग्रीन वाला, ग्रीन वाला बैग, इसमें क्या जाएगा? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि ऑरेंज का छिलका हो गया, ठीक है ना, ऑरेंज का छिलका मतलब समझ रहे हो ना, हाँ। या फिर कुछ फ्रूट्स हमने काट के खाया, जो रिमनेंट ऑफ द मतलब जो रेसिडुअल जो बच जाता है फ्रूट, उसको किधर डालेंगे? ब्लैक में नहीं डालते, किस में डालेंगे? ग्रीन में डालेंगे, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल जनरल वेस्ट, मतलब मोस्ट कॉमनली फूड मटेरियल्स, ठीक है ना, फूड मटेरियल्स इसी के अंदर डाला जाता है। ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया रिगार्डिंग कि सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट लेट्स, यस सर, जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है 1% का, उसका सर क्या डाइल्यूशन करते हैं क्या डालने के टाइम में पीपीसी कंटेनर में? मतलब और एक बार बोलो सर, जो मतलब डाइल्यूशन बोल रहे हो, कैसे डाइल्यूशन करना चाहिए? जी सर, नहीं उसमें क्या होता है, 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है, 10% को हमें मतलब हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन अलग अलग है, वो कैलकुलेशन कभी हम दोबारा पढ़ेंगे कोई क्लास में। मान के चलते हैं अगर 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड है, वो कितना आता है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, कितना आता है, कितना ml का आता है, उस हिसाब से फिर हमें कैलकुलेट करना होगा, और इसका कैलकुलेशन अलग है, ये पूरा एक क्लास लग जाएगा फिर। ठीक है, हमें वो पढ़ना नहीं है, हमें बस ये जानना 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड मतलब इसके अंदर डालना होता है। मतलब अगर प्रिपरेशन पढ़ोगे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब और एक क्लास हो जाएगा, मतलब सिर्फ हाइपोक्लोराइड नहीं, तुम्हें बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ना होगा। ठीक है, वो कभी पढ़ेंगे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में, और उसका कैलकुलेशन कैसे क्लोरीन बनाया जाता है, कैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाया जाता है, कैसे 2% ग्लूटरल डिहाइड बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें पढ़ना चाहिए। ठीक है yes, तो वो दूसरा कभी और एक क्लास में पढ़ेंगे, इसको अभी वो ध्यान मत दो, मतलब हमारा टॉपिक से हम डिबेट हो जाएंगे। ठीक है, पर इतना याद रखो अगर 10% है तो हमें 1% बनाना होगा। ठीक है, 1% कैसे बनाएंगे? 10% टू 1% कैसे बनाएंगे बताओ? हमारे पास मान के चलते हैं, हमारे पास अगर 1 लीटर में 10% है,
ठीक है, तो 1% बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 टाइम्स इसमें क्या डालना होगा, पानी डालना होगा, ठीक है ना, 10 टाइम्स पानी डालना होगा, मतलब वही चीज में हमें 9 लीटर पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 10 लीटर में, मतलब मान के चलते हैं 10%, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं 10 ग्राम पर 100 ml, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, तो 10 ग्राम पर 100 ml मतलब क्या, 1000 ml में कितना होगा, 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम, तो तभी तो 10% होगा ना, तो 1% मतलब क्या, 1 ग्राम पर 100 ml, ठीक है ना, 1 ग्राम पर 100 ml। अगर मैं ये बोल दूं 1 ग्राम, मतलब इसका मतलब सेम ही है ना, अगर 1000 ml में कितना होगा, 10 ग्राम होगा, बात समझ रहे हो ना, तो हमें अगर 10% वाला सोडियम हाइपोक्लोराइट हमारे पास है, इसका मतलब क्या, 100 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइट है इन 1000 ml या 1 लीटर में, या फिर वही सेम चीज हम बोल सकते हैं 10 ग्राम पर 100 ml है, बात समझ गए क्या? Yes, sir. तो हमें क्या करना होता है, हमें 1% बनाना होता है, तो 1% में कैसे करेंगे, 1% बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 1 ग्राम चाहिए इन 100 ml, बात समझ गए ना, 1 ग्राम इन 100 ml, हाँ, तो यहां पे सिमिलर क्या होगा, सो 10% मतलब क्या, 10 ग्राम इन 100 ml, और 1% मतलब क्या, मतलब तुम कैलकुलेशन पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं, 1 ग्राम इन 100 ml, ठीक है ना, इसका मतलब यही है, तो हमारे पास अवेलेबल है 10 ग्राम इन 100 ml और हमें बनाना होगा 1 ग्राम इन 100 ml, तो क्या करेंगे बताओ, 10 ग्राम से हम क्या लेंगे, 1 ग्राम ले लेंगे, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए बताओ, 10 ml चाहिए, 10 ml चाहिए, ठीक है ना, हम 10 ml ले लिए तो कितना मिलेगा हमें, 1 ग्राम मिल गया, तो मिला देंगे कितना बताओ, 90 ml, 90 ml वाटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो ये क्या क्या बन जाएगा, 100 ml बनेगा, प्लस इसमें yes, कितना ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा, सो ये बन गया कितना, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट, बात समझ रहे हो ना, तो हमें कितना सोडियम हाइपोक्लोराइट मिल रहा है हमारे हाथ में है और हमें क्या बनाना है, तो उसको लेके कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है ना, मतलब ये है जनरल कंसेप्ट, वो तुम्हें समझना जरूरी है, तो वो कभी हाइपोक्लोराइट का जो बॉटल आता है उसके अकॉर्डिंगली हमको सॉल्यूशन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो बॉटल के हिसाब से उसमें लिखा होगा ना कंसेंट्रेशन इतना है, जी सर, ठीक है ना, वो कंसेंट्रेशन कितना है हमें जानना जरूरी है, अगर 10% है तो हमें 1% बनाना है, ज्यादातर 10% का आता है, ठीक है, अगर 10% का है तो हम इतना बनाएंगे, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, हमें 10 ml लेना है, कितना लेना है, और 100 ml मतलब इसमें 90 ml क्या डालना है, वाटर डालना है, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 10% to 1%, अगर हम ये लेंगे 100 ml लेंगे और इसमें डाल देंगे 900 ml वाटर, तो क्या बन जाएगा, ये 1 लीटर का बनेगा सोल्यूशन और इसमें होगा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, जी सर, तो अभी ये बना कितना, देखो 10 ml plus 90 ml, ये बना कितना, 100 ml बना टोटल सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन 100 ml बना, लेकिन इसमें कितना है, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट है, अगर मैं ये 100 ml लूंगा और इसमें 900 ml डाल दूंगा पानी, तो क्या हो जाएगा, टोटल 1 लीटर होगा, वो भी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट होगा, बात समझ रहे हो, तो कंसेप्ट वो है कि हमें कितना पानी बनाना है, आई मीन कितना सोल्यूशन बनाना है, कंसेंट्रेशन क्या है, उस हिसाब से फिर ये वैरी करेगा, ठीक है ना, चलो अभी के लिए जनरल कंसेप्ट ये है, चलो तो यहां पे बात करते हैं रिगार्डिंग द वेस्ट कैटेगरी एंड उसके हिसाब से, देखो हमारे पास कलर कोडिंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है हमें कैटेगरी वाला क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना, तो कैटेगरी के हिसाब से ये कैटेगरी हमारे पास ना 10 कैटेगरी है, 10 कैटेगरीज ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, तो कैटेगरी 1 से लेकर 10 तक क्या है और उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे वो हम पढ़ते हैं, सो दिस इज ओवरऑल, मतलब इसमें बहुत सारे चीजें हैं और एग्जाम के लिए तो हमें इतना सारा नहीं पढ़ना, जस्ट मैं सिंपलर फॉर्म में बताऊंगा और तुम्हें ये याद रखना जरूरी है,
कैटेगरी वन, कैटेगरी वन किसको बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट. इसे याद रखना पड़ेगा, जैसे हम याद रखते हैं ना येलो में ये डालना एनाटोमिकल वेस्ट, वैसे कैटेगरी वन मतलब है ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट. एंड इसमें ह्यूमन टिश्यूज डाला जाता है. कैटेगरी वन में ह्यूमन टिश्यू आता है, ऑर्गन्स आता है, बॉडी बॉडी पार्ट्स आता है. अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया ना कि कैटेगरी वन के अंदर, मतलब ये मान के चलो कैटेगरी वन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैटेगरी वन में मतलब ऐसे पूछ लेगा कि प्लासेंटा कौन सा वाला कैटेगरी ऑफ वेस्ट में आता है, कैटेगरी वन टू थ्री फोर करके ऐसे ऑप्शन में लिखा है, तुम क्या बोलोगे? यहाँ पे येलो रेड ग्रीन नहीं है, ठीक है ना, येलो, यहाँ पे कलर कोडिंग नहीं है, यहाँ पे कैटेगरी पूछा, तो वो कैटेगरी किधर है? कैटेगरी वन है, ठीक है. और इसको क्या करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं? इंसिनरेशन किया जाता है या फिर डीप बुरियल किया जाता है. सो कैटेगरी वन का ट्रीटमेंट है इंसिनरेशन और डीप बुरियल, ठीक है, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के अंदर जो बात करते हैं. कैटेगरी टू में क्या आ रहा है? एनिमल वेस्ट, जैसे कि एनिमल टिश्यू हो गया, ऑर्गन्स हुआ, बॉडी पार्ट्स हुआ, कैरिकेसिस, ब्लीडिंग पार्ट्स हुआ, फ्लूइड, ब्लड एंड एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स यूज्ड इन द रिसर्च, वेस्ट जनरेटेड बाय द वेटनरी हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, डिसास फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड एनिमल हाउसेस. लेकिन ये कैटेगरी वेस्ट हमारा है नहीं, क्योंकि ये एनिमल वेस्ट हमारा कैटेगरी का नहीं आता. अगर आएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जहाँ पर ग्राफ्टिंग किया जाता है, जेनोग्राफ्ट हो गया, या फिर कभी कभी हमारा क्या होता है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, दूसरा कोई एनिमल का हमें क्या करना होता है, जैसे पोर्साइन का, पोर्साइन मतलब क्या, मतलब क्या मतलब पीक टाइप का एक आता है पोर्साइन, पोर्साइन का बल्ब लगाया जाता है, ठीक है ना, बल्ब लगाया जाता है हार्ट में, तो वो वाला किस में डालना, मतलब वो किसके अंदर आएगा, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी टू, ठीक है ना. तो उस हिसाब से फिर मतलब मान के चलते हैं किसी किसी जानवर के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ज़्यादातर तो चूहे के ऊपर रिसर्च किया जाता है, एंड देखा होगा मंकी के ऊपर रिसर्च किया जाता है, पिग के ऊपर रिसर्च किया जाता है, ठीक है ना. तो इनके ऊपर रिसर्च करने के बाद जो एनिमल क्या हुआ, डेथ हो गया किसी एनिमल का, या फिर उसका कोई बॉडी पार्ट्स है जो जिसको हमें डिस्पोजल करना है या ट्रीट करना है, वो कहाँ पर डालेंगे, मतलब कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, वो है कैटेगरी टू के अंदर. कैटेगरी वन और टू दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे, कैटेगरी वन इज द ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट एंड कैटेगरी टू इज द एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट. इज इट क्लियर? ट्रीटमेंट तो दोनों का सेम ही होगा, बात समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो? यस सर. कैटेगरी थ्री चलते हैं. कैटेगरी थ्री मतलब क्या? यस कोई डाउट है? टू को येलो में डालना है ना? हाँ, इसको येलो में डालना होता है, डेफिनेटली डेफिनेटली. कैटेगरी मतलब ये कैटेगरी वन टू दोनों येलो में जाएगा, क्योंकि ये सारा एनाटॉमिकल वेस्ट है, ठीक है ना. कैटेगरी टू का क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? यस yes, आएगा, इसलिए तो बता रहे हैं, नहीं तो मुझे क्या खुशी लगता है पढ़ाने के लिए. और जानना जरूरी है, डेफिनेटली जानना जरूरी है, ठीक है, जानना जरूरी है, इसलिए जानना जरूरी है. एग्जाम कैटेगरी थोड़ा सा हम एडवांस लेवल क्यों ना पढ़ें? देखो आजकल जितना डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उस हिसाब से फिर हमें थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ना तो चाहिए. नहीं पढ़ेंगे तो कभी क्या क्वेश्चन आ जाएगा हमें नहीं पता, ठीक है ना. तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कैटेगरी वाला क्वेश्चन, और पूछा भी है ऑलरेडी, तो इसलिए हमें जानना जरूरी है. कैटेगरी थ्री समझते हैं. कैटेगरी थ्री इज द माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट. इसमें क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि लैबोरेटरी कल्चर्स हो गया, स्टॉक्स और स्पेसिमेन ऑफ द लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म्स और एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स. सो इसको आइदर तुम करोगे क्या, ऑटोक्लेविंग करोगे, माइक्रोवेविंग या इंसिनरेशन किया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए. सो कैटेगरी थ्री में क्या आ रहा, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट. ये किधर जाएगा बता भाई? ये जाएगा किधर? येलो में जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर अगर कांच का है तो फिर किधर डालेंगे? कांच का है तो ब्लू के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना. अगर शार्प का है तो डालेंगे किधर? ये डिफिकल्ट हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि डिफिकल्ट हो जाता है किधर डालेंगे कैटेगरी थ्री को. ऐसे नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि कैटेगरी थ्री बस इसी में डाल देना है, नहीं कर सकते वैसे ही. समझ रहे हो ना बात? यस सर.
नेक्स्ट कैटेगरी फोर, कैटेगरी फोर वेस्ट शार्प। वेस्ट शार्प किधर जाता है? जैसे कि नीडल हो गया, सिरिंज, स्कैल्पेल, ब्लेड्स, ग्लास, ये सारे पीपीसी के अंदर जाएगा, वाइट वाला। और इसको हम करेंगे डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे, जैसे केमिकल, जैसे मैंने बोला 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा, या फिर ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड म्यूटिलेशन, मतलब इसको जला के खत्म करना, श्रेडिंग मतलब छोटा छोटा बनाना इसको। कैटेगरी फाइव के अंदर आता है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। ये किस में जाता है बताओ? साइटोटॉक्सिक ड्रग कौन सा वाला बैग में जाता है? येलो वाला में जाता है, येलो वाला में जाता है, येलो में। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? इंसिनरेशन, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल्स। इसको मतलब गड्ढा बना के डालना होता है, फिर अंदर डालना होता है। कैटेगरी सिक्स आता है क्या? सॉइल्ड वेस्ट कंटामिनेटेड विद द बॉडी फ्लुइड्स इंक्लूडिंग कटन हो गया एंड सॉइल्ड प्लास्टर कास्ट हुआ, बेडिंग हुआ, ये भी सारे किधर जाता है बताओ? येलो। ये भी येलो में जाता है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग। कैटेगरी सेवन आता है क्या? सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट आता है जो कि जनरेट होता है, लाइक तुम्हारा ट्यूबिंग हो गया, कैथेटर हुआ, आईवी सेट्स हुआ, ये किस में डालना? रेड में डालना, रेड में। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट है इंसिनरेशन, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल इन द सिक्वेंट लैंडफिल। इसको जलाना होता है, जलाने के बाद फिर डिस्पोज किया जाता है, जो इसका आसेस बनता है। कैटेगरी एट आता है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट मतलब वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द लैब एंड वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल के तौर पर लिक्विड वेस्ट में, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे खुद सोडियम हाइपोक्लोराइट हुआ, या फिर ब्लीचिंग हुआ, या फिर कोई केमिकल हुआ जो कि लिक्विड फॉर्म में हमारा हॉस्पिटल में पाया जाता है, उसका एक्सपायर हो गया, एक्सपायरी डेट आ गया, फिर इसको किधर डालेंगे? येलो। नहीं, इसको बेसिकली क्या किया जाता है, आइदर केमिकल ट्रीटमेंट करोगे, नहीं तो इसको डायरेक्टली क्या किया जाता है, मतलब कोई पीट होता है, वो पीट के अंदर डाला जाता है, इसको ड्रेन किया जाता है बेसिकली। सो कैटेगरी एट, इसमें हमारा कोई येलो रेड इसमें नहीं डाला जाता इसको। कैटेगरी एट को रनिंग वाटर में नहीं डालते, नहीं, उसका केमिकल एक पढ़ेंगे जब हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसका बेसिकली एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो कि दूसरा एक जगह पे जाके इसको सेपरेट, इसका स्टोरेज यूनिट होता है बेसिकली, तो लिक्विड वेस्ट के लिए। इसको ना हम जला सकते हैं, जलाने से प्रॉब्लम होगा कि इसमें से जो धुआं निकलेगा वो सारे प्रॉब्लम कराएगा, तो इसलिए इसको कभी जलाना नहीं जाता, इसको सेपरेट एक लैंड में, मतलब एक पीट में इसको डाला जाता है। तो हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसका, अभी के लिए बस याद रखो लिक्विड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द लैबोरेटरी वगैरह, इसको कैटेगरी एट में डालते हैं हम लोग। डिसइंफेक्टेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट, इसको दूसरा कोई केमिकल डाल के इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। कैटेगरी नाइन इज इंसिनरेशन आस। इसका मतलब क्या? हम जो कैटेगरी वन हो गया, टू हो गया, इसको हम क्या करते हैं? इंसिनरेट करते हैं, जलाते हैं, जलाने के बाद जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं कैटेगरी नाइन। इसको हम क्या करते हैं, ये लैंडफिल्स में या फिर एक गड्ढा मतलब खोद के फिर इसमें डाला जाता है पीट बना के। तो पीट कैसे बनता है, जो डीप बुरियल जिसे बोलते हैं, वो डीप बुरियल का भी हम पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट कैसा होता है, कैसे इसको डिस्पोजल किया जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे। सो कैटेगरी नाइन इज इंसिनरेशन आस। कैटेगरी टेन इज द केमिकल वेस्ट, केमिकल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल्स यूज इन डिसइंफेक्टिंग एंड इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, ये भी ड्रेनेज सिस्टम में जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज इन टू द ड्रेन्स फॉर लिक्विड्स एंड सिक्योर्ड लैंडफिल्स फॉर सॉलिड। मतलब इसको ड्रेन में डाला जाता है या फिर कोई लैंडफिल में, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो फिर इसको बुरियल किया जाता है। सो यहाँ पे क्या क्या हो गया हमारा, कैटेगरी वन से टेन तक क्या हुआ? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। कैटेगरी वन में क्या आ रहा? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। कैटेगरी टू मतलब क्या? एनिमल वेस्ट। यस, एनिमल वेस्ट। कैटेगरी थ्री माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। यस, कैटेगरी फोर वेस्ट शार्प्स एंड कैटेगरी फाइव
discarded medicine or cytotoxic drugs. Yes, and then category 6, soiled waste contaminated with the body fluids. Yes, category 7, solid waste like tubing, catheter, etc. Just like tubing, catheter. Yes, category 8, liquid waste. And category 9, incineration ash. Category 10, chemical waste. चलो अभी कोई डाउट बताओ, यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा अभी यहां पे पढ़ते हैं डीप बुरियल कैसे किया जाता है। और इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जब हम डीप बुरियल करते हैं तो कितना मतलब डीप हम गड्ढा बनाते हैं, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। एंड जो डेप्थ होगा गड्ढे का वो कितना होना चाहिए? मिनिमम होगा 2 मीटर। ठीक है, जब गड्ढा बना कैटेगरी 4 थोड़ा बताएं। कैटेगरी 4 क्या है? वेस्ट सर, मतलब क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो वो बताओ। देख नहीं पाती, हो गया अब देख। जी जी चलो फिर अब यहाँ पे बात करते हैं। मैंने जो बोला ना, कुछ ऐसे वेस्ट होता है जिसको हमें बुरियल करना होता है, गड्ढे बना के फिर इसको डालना होता है। अभी क्वेश्चन आता है ना डीप बुरियल के रिगार्डिंग, थोड़ा सा हमें समझ लेना जरूरी है डीप बुरियल कैसे किया जाता है और इसको कैसे हम डिस्पोज करते हैं। तो यहां पे देखो थोड़ा सा हम साइज देख लेते हैं, जब हम गड्ढा बनाते हैं गड्ढे का साइज देख लेते हैं। साइज क्या है बताओ, डीप कितना होगा? 2 to 5 meters। ठीक है ना, डीप कितना होगा साइज? साइज का डेप्थ कितना होता है बताओ जल्दी से, डेप्थ 2 to 5 meters। ठीक है ना, मिनिमम कितना? 2 meters का। ठीक है, मिनिमम 2 meters का गड्ढा होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, इसका इसका मतलब विड्थ कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 1 to 2 meters। 1 to 2 meters का विड्थ होना चाहिए नंबर टू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या, पहले हमारा नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ हमारा क्या होता है? बॉटम क्ले लेयर। इसका मतलब नीचे सबसे क्या होगा? हमारा मिट्टी होगा। ठीक है ना, नीचे सबसे क्या होगा मतलब अगर गड्ढा बनाएंगे नीचे क्या होगा? मिट्टी तो होगा ना, है या ना? यस, मिट्टी तो होगा। ये मिट्टी के ऊपर हम क्या डालते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट को डालते हैं। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट को हम डालते हैं मिट्टी के ऊपर। कब तक डालेंगे? तब तक डालेंगे जब तक ये ऊपर से कितना 50 centimeters के नीचे ना हो, मतलब ऑलमोस्ट 3/4 इसको कवर कर लेंगे। नीचे से ऊपर से कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा? 50 centimeters आसपास। ठीक है ना, 50 centimeters के आसपास हमारा ये क्या होगा मतलब नीचे होगा। बात समझ गए? मतलब ऊपर से ये मान के चलो ये इतना हो गया 50 centimeters, और यहां तक हम पूरा फिल करेंगे क्या बताओ? दिस आर गोइंग टू बी योर बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बात समझ गए क्या? बायोमेडिकल वेस्ट, और बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर क्या होगा? दिस इज योर सॉयल और सॉयल लाइम लेयर। सॉयल लाइम मतलब क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम मतलब क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कुछ बुक्स में ऐसा बताया गया है कि जो बुरियल किया जाता है डीप किया जाता है इसको 50% इसका आधा कंप्लीट आधा हम क्या करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट से फूल कर देते हैं। जितना हम मान के चलते हैं 2 meters हमने क्या किया गड्ढा बनाया, 2 meters का 1 meter। ठीक है ना, 1 meter तक हम क्या करते हैं बायोमेडिकल, 1 meter हम क्या करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट डाल देते हैं। एज पर द कायाकल्प गाइडलाइन ये बोल देता है कि बायोमेडिकल वेस्ट को आधा तुम फिल कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद डाल दो क्या सॉयल और सॉयल लाइम लेयर डाल दो। मतलब बेसिकली सॉयल और सॉयल लाइम नहीं, एज पर द गाइडलाइन इसमें लाइम या फिर इसे क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसके ऊपर डाला जाता है और ये ऊपर से कितना होगा 50 centimeters तक, जब तक ये 50 centimeters ऊपर रहता है यहां तक इसमें क्या डाल दो पानी, मतलब नॉट पानी मतलब इसमें सॉइल डाल दो। मतलब ये क्या हुआ
मान के चलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट यहां तक हो गया 1 मीटर फॉर एग्जाम्पल एज पर द गाइडलाइन, और जितना बच्चा उसको क्या करो फिल कर दो विथ लाइम, और ऊपर कितना बचेगा बस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां तक पूरा कंप्लीटली फुल हो गया और ऊपर बच्चा बस 50 सेंटीमीटर बचा, और 50 सेंटीमीटर में क्या होगा बस सॉयल होगा। अभी समझ में आ रहा है? देखो पीट होगा ऐसा, पीट में हमने क्या किया आधा भर दिया, क्या बताओ इसमें बायोमेडिकल वेस्ट, इसमें फिर क्या डालते हैं लाइम, यहां पे कितना बचा बस 50 सेंटीमीटर, इसमें क्या डालेंगे इसमें डालते हैं सॉयल। अभी समझ में आया कंसेप्ट? यहां पे क्या हो गया ये 1/2 हम क्या डालते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, उसके ऊपर लाइन, और बचता क्या बस 50 सेंटीमीटर जिसमें सॉयल डालना होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो यहां पे समझना जरूरी है, ये बायोमेडिकल वेस्ट जो है लाइम जो है, लाइम के ऊपर हम क्या करते हैं सीमेंटिंग करते हैं। सीमेंटिंग मतलब क्या, इसको पूरा कंप्लीटली सॉलिडिफाई किया जाता है विथ सीमेंट, सॉलिडिफाई करेंगे उसके बाद सॉइल डालते हैं। तो क्या क्या लेयर्स हो गया यहां पे, सबसे नीचे क्या आता है, सबसे नीचे बताओ ये हो गया हमारा क्ले, हाँ या ना, उसके बाद आधा हमने भर दिया क्या बायोमेडिकल वेस्ट, उसके बाद क्या डालेंगे लाइम, ठीक है, उसके बाद क्या डालेंगे सीमेंट, सीमेंट, उसके बाद कितना बच रहा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके ऊपर क्या सॉयल। अभी समझ में आया कंसेप्ट? ये टोटल कितना होता है लेंथ इसका, डीप कितना होता है 2 to 5 मीटर, इज इट क्लियर, हाँ या ना बोलो, समझ में आ गया। चलो अभी अगर यहां पे हमने क्या किया ऐसे सॉयल डाल दिया इसके ऊपर, कभी क्या होता है पानी आ गया, बारिश हुआ तो पानी इसके अंदर चला जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे पानी से बचाने के लिए इसको थोड़ा चारों तरफ से क्या करेंगे, मतलब ये मान के चलो ये गड्ढा है, गड्ढे के ऊपर क्या करेंगे ऐसे मिट्टी डाल के इसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, तो मिट्टी डालने से क्या होगा पानी इसके अंदर और जाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे वायर का फेंसिंग बना देंगे, वायर फेंसिंग, सिक्योरिटी फेंस, मतलब क्या, मतलब जो आता है ना, मतलब एक क्या बनाने के लिए फेंस, मतलब समझ रहे हो ना, बाउंड्री टाइप, हाँ बाउंड्री, बाउंड्री मतलब एक तार का बाउंड्री जो बनाते हैं, मतलब इसमें क्या होगा बेनिफिट, एक कंक्रीट का बाउंड्री बनाना है, हाँ इसमें एक बाउंड्री बना देते हैं, किसमें तार वाला, ठीक है ना, वायर फेंसिंग करते हैं इसमें। फेंसिंग करने से क्या बेनिफिट होगा कि कोई मतलब मान के चलो कोई मतलब एनिमल हुआ उसके अंदर नहीं डाल मतलब जा सकता, तो बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर ये कंप्लीटली जो वेस्ट है वो प्रोटेक्टेड होकर रहेगा, कोई कंटामिनेट नहीं होगा, इसलिए फेंसिंग लगा जाता है। बात समझ गए? तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है तुम्हें ना, वो क्वेश्चन पूछेगा कि डीप कितना होता है और क्या क्या मतलब साइज एंड कहां पर कौन सा लेयर होता है, वो तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन एक बार ही पूछा था बस, डीप बुरियल का डेप्थ कितना होता है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए याद रखना 2 to 5 मीटर। तो मैंने थोड़ा और थोड़ा एडवांस बता दिया, हो सकता है कि आगे क्वेश्चन पूछ लें। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ द सार्प। सार्प डिस्पोजल के लिए हमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया गया है। ए सार्प पीट शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर एक पीट होना चाहिए, गड्ढा होना चाहिए सर्प डिस्पोज करने के लिए। साइज क्या होगा 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर। ठीक है, इसका मतलब डीप होगा 1 मीटर का, गड्ढा तो ऐसे बनाएंगे ना, मान के चलते हैं इसे ऐसे तो एक गड्ढा बनाएंगे नीचे की तरफ, राइट। अब ये गड्ढा का ये वाला कितना होगा 1 मीटर, एंड ये हो गया लेंथ एंड ब्रेड्थ कितना हो गया, ये भी 1 मीटर का होगा, डीप कितना होगा ये भी 1 मीटर का होगा। ठीक है, सो साइज क्या होगा 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर, और ये कंप्लीटली इसका जो वॉल है दिस आर गोइंग टू बी विथ कंक्रीट, कंक्रीट का बना होना चाहिए, ठीक है ना, ये किस में बनाया होगा, कंक्रीट से बनाया हुआ,
कंक्रीट से बनाया हुआ लाइन होगा, और इसके ऊपर जो लीड बनाते हैं, ये गड्ढा तो बना दिया, इसके ऊपर तो लीड लगाएंगे, ठीक है ना। ये लीड भी किस में बनाया होगा, दिस विल बी बाय द सीमेंट, कंक्रीट का बनाया हुआ, ठीक है ना, वो कंक्रीट का बनाया हुआ होना चाहिए। हाँ, तो चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, नीचे से तो नहीं, ऊपर से एंड फिर चारों तरफ से ये प्रोटेक्टेड रहेगा, सो दैट ये शार्प जो है वो कभी बाहर ना आए। सो साइज क्या होगा, 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर कंक्रीट का वॉल होगा, उसके ऊपर सीमेंट का लीड होगा या कंक्रीट का लीड होगा। डिस्पोजल ऑफ द शार्प कंटेनर्स एंटायरली, कभी कभी क्या किया जाता है ना, वो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ हमने ट्रीट किया है शार्प को, वो हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली उसको एक एक करके निकाले ना, थोड़ी बिल्कुल नहीं निकालना, उसको डायरेक्टली क्या करना, डिस्पोज कर देना उसी के अंदर। द फील्ड पिट्स अप टू 3/4 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द पिट, मतलब अगर मान के चलते हैं 1 मीटर मतलब इक्वल टू कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर, इसका अगर 3/4 लें तो 75 सेंटीमीटर तक हम भरेंगे क्या बताओ, वेस्ट को फिल कर देंगे, फिल करेंगे कितना, 75 सेंटीमीटर तक, 3/4। तो पीट को भर देंगे किसमें से, किसमें भरेंगे, शार्प से भरेंगे अप टू 75 सेंटीमीटर और 3/4 कैपेसिटी, एंड देन उसके बाद सीमेंट कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए, हाँ या ना बोलो। एक बार ये फिल हो गया, वंस इट इज फिल्ड, पूरा कंप्लीट हमने सील कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर शार्प डिस्पोज करने के लिए और एक गड्ढा बनाएंगे सिमिलर टाइप का, अनदर शार्प पिट इज क्रिएटेड फॉर फर्दर यूज, सिंपल सा है। तो शार्प डिस्पोजल के लिए क्या करना होता है, 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर का गड्ढा बनाएंगे, इसमें डालेंगे अप टू 3/4 हम भरेंगे शार्प से, एंड फिर इसको जब हो गया कंप्लीट हो गया, इसको सील कर दो और एक नया वाला गड्ढा बनाओ, फिर डालो उसमें शार्प, ठीक है, वैसे करते जाएंगे जब तक हमारे पास लैंड है, तब तक हम गड्ढा खोदते जाएंगे, समझ गए ना। तो दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ द शार्प। नाउ हैंडलिंग द शार्प, शार्प को हैंडल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, क्या, नंबर वन, जिसमें हमें, मैंने शायद एक पढ़ाया हुआ है नीडल स्टिक इंजुरी, NSI का मैंने क्लास लिया हुआ है, आई थिंक सो, देखे हो वो NSI का क्लास, नीडल स्टिक इंजुरी वाला क्लास, अभी वहां पे मैंने बताया हुआ था PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस, ठीक है ना, वो HIV के लिए क्या है, हेपेटाइटिस के लिए क्या, वो सारी चीजें, और कैसे हम प्रोटेक्टेड रहें, हाउ टू प्रिवेंट द शार्प, नीडल स्टिक इंजुरी एक्सेट्रा। सो जब हम हैंडल करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे हम बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। नीडल्स शुड नॉट बी बेंट, नीडल्स को कभी हमें ऐसे मोड़ना नहीं चाहिए, सियर्ड, ब्रोकेन और रिकैप्ड, ठीक है, कभी इसको पुल नहीं करना चाहिए, बेंट नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, रिकैपिंग नहीं करना चाहिए, रिकैप करने से भी ज्यादा से ज्यादा मोस्ट कॉमनली NSI इसी के वजह से होता है, बात समझ रहे हो क्या? Yes, sir. सबसे ज्यादा द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नीडल स्टिक इंजुरी इज वॉट, रिकैपिंग, सो यू हैव टू अवॉइड इट, ठीक है ना, बात समझ रहे हो क्या? Yes, sir. चलो, सो यहां पे हमें ना बेंड करना चाहिए, ना इसको तोड़ने की कोशिश करना चाहिए, जिसे हम सियर्ड बोलते हैं, या मतलब ब्रोकेन मतलब, अगेन तोड़ना नहीं चाहिए, रिकैप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नेवर नेवर पास, मतलब कभी कभी क्या करते हैं, हमने निडल को लोड किया, दूसरे पर्सन को दे देते हैं, भाई चलो उसको ठोक दो, तो नहीं करना चाहिए। नेवर पास द शार्प्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय हैंड, नहीं करेंगे। नेवर वॉक अराउंड नीडल को, कभी कभी अगर किसी पेशेंट को हमें देना होता है ना, मतलब मेडिकेशन देना होता है, नीडल से हमने ड्रॉ किया, लोड किया, और बिना कैप किए हम इसको पकड़ के चलते हैं, भाई चलो देना है, तो नहीं करना चाहिए वैसे, समझ रहे हो। नेवर लीव द शार्प्स लाइंग अराउंड, अगर तुमने देखा कहीं पे पड़ा हुआ है नीडल, एक पड़ा हुआ है, तो फिर कभी भी छोड़ के नहीं आना चाहिए। डिस्पोज देम ऑफ योर सेल्फ, खुद वो वाला उठाओ और उसको डिस्पोज करो,
डिस्पोज ऑफ द साब्स एट द पॉइंट ऑफ यूज, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जहां पर तुम शार्प को यूज कर रहे हो, ठीक है, वो चाहे लैब में हो, वर्ड में हो, कहीं पे भी हो, एट द सेम पॉइंट, वही जगह पे तुम्हें क्या करना, डिस्पोज करना है। ऐसा नहीं कि तुमने वर्ड में यूज किया और लेके जाना 2 किलोमीटर जहां पर तुम्हें फेंकना होगा, वैसा नहीं है। वर्ड में ही तुम्हारा अवेलेबल होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट का सारे बैग्स, बात समझ रहे हो, या फिर ओपीडी में जहां पे काम कर रहे हो, या फिर हो गया तुम्हारा कोई भी आईसीयू में हुआ, ओटी में हुआ, वो जगह पे तुम्हारा आसपास कहीं ना कहीं होना तो चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जाके फिर दूसरा कोई वार्ड में, तुम एक वार्ड में काम कर रहे हो, दूसरा वार्ड में जाके फिर सार्प को डिस्पोज करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डू नॉट पिक अप द ब्रोकन ग्लास विथ हैंड्स, ये सबको पता है, कोई नहीं करेगा वैसे, ठीक है ना। ब्रोकन ग्लास को कभी खाली हाथ में पकड़ना नहीं चाहिए। यूज मैकेनिकल मीन्स, मतलब हो सकता है कोई ब्रश यूज करो, डॉस्पैन, टोंग्स या फोर्सेप्स यूज करो, सो दैट देयर विल बी नो इंजुरी। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज योर मर्क्यूरी वेस्ट मैनेजमेंट। एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, मर्क्यूरी वेस्ट को कभी भी हमें डिस्पोज या बुरियल नहीं करना चाहिए, दैट शुड बी रिसाइकल्ड। याद है किसी को, मर्क्यूरी को कभी हम डिस्पोज नहीं करते, डिस्कार्ड नहीं करते, क्या करना चाहिए, रिसाइकल कराना चाहिए। मर्क्यूरी 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, क्या, एलिमेंटल फॉर्म में, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म में। जब मैंने मर्क्यूरी पॉइजनिंग का क्लास लिया था उसमें और भी ज्यादा डिटेल में मैंने रिगार्डिंग मर्क्यूरी बताया हुआ है। अब यहां पे बस याद रखो, द एलिमेंटल फॉर्म इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड वेरी टॉक्सिक व्हेन इनहेल्ड। क्यों इतना टॉक्सिक है? बिकॉज दिस हैज ए न्यूरोटॉक्सिन इफेक्ट। ये ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करता है, किडनी को अटैक करता है, आईज एंड लीवर, तो पॉइजनस है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग होता है, और ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी, आईज, लीवर, ये सेल्स सारे डैमेज हो जाते हैं, जिसके वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाना शुरू होता है, किडनी खराब हो जाता है, आंख खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। मर्क्यूरी ऑल्सो कैन क्रॉस द प्लासेंटा। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी ने एक्सपोज हो गया मर्क्यूरी को, तो फिर ये प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास जाएगा, बच्चे का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी खराब। तो इसलिए मर्क्यूरी को हैंडल करना क्वाइट डिफिकल्ट, तो मर्क्यूरी को हम केयरफुली हैंडल करना जरूरी है। सो हाउ टू हैंडल द मर्क्यूरी स्पिलेज, मतलब अगर मर्क्यूरी कहीं पे पड़ा हुआ है तो हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मर्क्यूरी स्पिल किट, इसके अंदर क्या आता है, मर्क्यूरी स्पिल किट हमें खुद बनाना चाहिए, हमारे पास हॉस्पिटल में होना चाहिए, एज पर द गाइडलाइन, कायाकल्प गाइडलाइन, मर्क्यूरी स्पिल किट हमारे पास होना चाहिए। नंबर वन, इसके अंदर क्या होगा, पीपीई होगा, एयर टाइट और सिलेबल प्लास्टिक बैग होना चाहिए, 40 to 150 माइक्रोन, मतलब इसका मोटाई, जो प्लास्टिक बैग है इसका थिकनेस या मोटाई कितना होना चाहिए, 40 to 150 माइक्रोन का, दैट शुड बी एयर टाइट। स्मॉल एयर टाइट रिजिड प्लास्टिक कंटेनर और ग्लास बोटल, स्मॉल एयर टाइट रिजिड प्लास्टिक कंटेनर और ग्लास बोटल, हाफ फिल्ड विथ वाटर और वेपर सप्रेशन एजेंट फॉर कलेक्टिंग एलिमेंटल मर्क्यूरी। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल एयर टाइट रिजिड प्लास्टिक कंटेनर लेंगे या ग्लास बोटल लेंगे, इसके अंदर आधा क्या होगा, हाफ फिल्ड विथ वाटर, इसमें पानी आधा होगा, और वेपर सप्रेशन एजेंट, क्यों, क्योंकि हमें पता ना एलिमेंटल मर्क्यूरी कैन एवापोरेट, ठीक है ना, वो एवापोरेट हो सकता है और वो नाक के अंदर जाएगा, तो वेपर से बचने के लिए हमें क्या करना, वेपर सप्रेशन एजेंट, वो एजेंट को यूज करेंगे जो वेपर होने नहीं देगा मर्क्यूरी का। तो वेपर सप्रेशन एजेंट क्या क्या है हम पढ़ेंगे, और ये एग्जाम में शायद क्वेश्चन पूछ सकता है, दिस इज गोइंग टू बी योर एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन, कि वेपर सेपरेशन एजेंट क्या होगा, जो कि मर्क्यूरी स्पिल होता है तो इसका वेपर बन जाता है, तो उसको रोकने के लिए क्या एजेंट हम यूज कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास हर पीपी होना चाहिए, हर एक पीपी हम पहनेंगे, एयर टाइट कंटेनर हमारे पास होना चाहिए जो कि सिलेबल प्लास्टिक बैग होगा, एंड स्मॉल एयर टाइट रिजिड प्लास्टिक कंटेनर और ग्लास बोतल होगा जिसमें आधा पानी होगा या फिर
वेपर सप्रेशन एजेंट होगा फॉर कलेक्टिंग द एलिमेंटल मर्क्यूरी. नेक्स्ट, एयरटाइट और पंक्चर रेजिस्टेंट और रिजिड प्लास्टिक और स्टील जार होगा या फिर कंटेनर कोई होगा विथ ए वाइड ओपनिंग फॉर कलेक्टिंग द मर्क्यूरी कंटामिनेटेड ब्रोकन ग्लास. मतलब मान के चलते हैं जैसे कोई मर्क्यूरी का ब्रोकन ग्लास कहाँ से मिलेगा, इधर हमारा जो स्फिग्मोमैनोमीटर होगा या फिर जो ग्लास थर्मोमीटर हमारा होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है, वो अगर मान के चलते हैं टूट गया, टूटने से मर्क्यूरी तो जाएगा बाहर लेकिन वो ग्लास तो टूट के पड़ा होगा. वो ग्लास को मतलब लेने के लिए हमारे पास एयर टाइट, पंक्चर रेजिस्टेंट, जिसे पीपीसी तो बेसिकली पंक्चर प्रूफ कंटेनर बोलते हैं, पंक्चर रेजिस्टेंट रिजिड प्लास्टिक और स्टील जार होना चाहिए या कंटेनर होना चाहिए जिसमें वाइड ओपनिंग होगा, मतलब खुला होगा मुंह इसका और इसमें हम ब्रोकन ग्लास कलेक्ट करेंगे. अब यहाँ पे जो एयर टाइट कंटेनर लिए थे, सीलेबल प्लास्टिक बैग और एक स्मॉल एयर टाइट रिजिड प्लास्टिक कंटेनर लिए हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? एक एयर टाइट सीलेबल प्लास्टिक बैग अगर वो वेपराइज्ड है नहीं, अगर एलिमेंटल मर्क्यूरी नहीं है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक वाला है, वो प्लास्टिक बैग में ले सकते हैं. अगर वो वेपराइज वाला होगा तो फिर इसमें मतलब एलिमेंटल मर्क्यूरी होगा तो इसमें रिजिड प्लास्टिक बैग कंटेनर होना चाहिए, ग्लास बोतल जिसमें आधा पानी होगा या फिर वेपर सेपरेशन एजेंट होगा, ठीक है ना. और तीसरा हम एयर टाइट कंटेनर लेते हैं जिसमें हम ग्लास को यूज करेंगे, मतलब ब्रोकन ग्लास को कलेक्ट करेंगे. अभी वेपर सेपरेशन एजेंट जो कि बेसिकली कौन सा वाला मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का तीन फॉर्म में आता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड एलिमेंटल. तो कौन सा वाला मर्क्यूरी के लिए हमें वेपर सेपरेशन एजेंट चाहिए, कौन बोलेगा? कौन सा वाला मर्क्यूरी के लिए वेपर सेपरेशन एजेंट चाहिए? Am I audible? Yes, sir. तो बताओ क्या क्या मर्क्यूरी का फॉर्म होता है? एक है एलिमेंटल और दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा इनऑर्गेनिक. तो एलिमेंटल मर्क्यूरी क्या होता है? ये वेपर बन जाता है, ठीक है ना, एवापोरेट होता है कुछ, तो ये इनहेल कर सकते हैं हम लोग. एलिमेंटल मर्क्यूरी को इनहेल करने का चांस ज्यादा है तो इसलिए एलिमेंटल मर्क्यूरी वेपर बन जाता है. तो वेपर होने नहीं देना हमें. तो वेपर से बचने के लिए, वेपर ना होने के लिए हम क्या देते हैं? वेपर सेपरेशन एजेंट. इसमें क्या डालना? एक है सल्फर पाउडर टू ऑब्जर्व द मर्क्यूरी बाय फॉर्मिंग मर्क्यूरिक सल्फाइड. सल्फर पाउडर अगर डाल देंगे तो जो एलिमेंटल मर्क्यूरी मान के चलते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके अंदर डाल दिया हमने क्या, सल्फर पाउडर, तो ये वेपर नहीं बनेगा और बन जाएगा मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है. अगर जिंक या कपर फ्लेक्स यूज करते हैं तो ये बन जाएगा क्या, अमलगम्स. अमलगम्स मतलब क्या? दिस आर गोइंग टू बी योर अलॉयज, अलॉय, अलॉय ऑफ मर्क्यूरी. मतलब ये मर्क्यूरी और जिंक मिलके एक अलॉय बनाएगा, मतलब एक मिक्स्ड मेटल बनाएगा जो मेटल एवापोरेट नहीं होगा, आई मीन वेपर नहीं बनेगा. या फिर हम यूज करते हैं प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल या सोडियम थायोसल्फेट या कॉपर सल्फेट. सो दिस आर गोइंग टू बी योर वेपर सेपरेशन एजेंट्स विच कैन बी यूज फॉर द एलिमेंटल मर्क्यूरी टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ वेपर. देन व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द मर्क्यूरी? मतलब मान के चलो ये सारे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास सारे मतलब एयर टाइट सीलेबल प्लास्टिक बैग, इसमें मतलब मर्क्यूरी रखने के लिए एक्सेप्ट द एलिमेंटल मर्क्यूरी, एक स्मॉल एयर टाइट रिजिड प्लास्टिक कंटेनर इसमें आधा पानी या फिर वेपर सेपरेशन एजेंट होगा जो कि एलिमेंटल मर्क्यूरी को हम कलेक्ट करेंगे, दूसरा एयर टाइट पंक्चर रेजिस्टेंट स्टील जार या कंटेनर होगा जिसमें हम क्या करेंगे, जो कंटामिनेटेड मर्क्यूरी कंटामिनेटेड ब्रोकन ग्लास को रखेंगे. जो वेपर सेपरेशन एजेंट के बारे में बात कर रहे थे, इसमें क्या क्या आता है, सल्फर पाउडर, जिंक या कॉपर फ्लेक्स या प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल या फिर सोडियम थायोसल्फेट या कॉपर सल्फेट होगा. देन जब मर्क्यूरी पड़ा है उसको हम कलेक्ट करना होगा, तो कलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? एक है फ्लोर के ऊपर मर्क्यूरी पड़ा हुआ है तो हमें इसको कलेक्ट करना, तो क्या यूज़ करेंगे, फ्लैशलाइट. फ्लैशलाइट का काम है, फ्लैशलाइट यूज़ करेंगे, प्लास्टिक कोटेड प्लेइंग कार्ड, जो हम प्लेइंग कार्ड खेलते हैं ना कार्ड, वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक वाला, या फिर स्मॉल प्लास्टिक स्कूप और प्लास्टिक डस्ट पैन यूज़ करेंगे,
ट्वीजर यूज कर सकते हैं, आई ड्रॉपर या सिरिंज विदाउट नीडल यूज करेंगे, डॉक टेप या स्टिकी टेप को यूज करेंगे। सो कलेक्शन के लिए इतना सारा हमें चाहिए। फ्लैश लाइट का काम है, टर्च का काम है कि जो मर्क्यूरी है अगर लाइट डालेंगे ना वैसे तो ये क्या दिखेगा, मर्क्यूरी साइनी चमकता हुआ दिखेगा, तो हमें पता चल जाएगा ना इधर इधर मर्क्यूरी पड़ा हुआ है। तो फ्लैश लाइट का काम है टू लोकेट द मर्क्यूरी, नंबर वन। नंबर टू, द प्लास्टिक कोटेड प्लेइंग कार्ड। कार्ड का काम होता है, मान के चलते हैं हमने ना ये एक पैन ऐसे लिया, पैन को कैसे बनाएंगे, मतलब मैंने तो पिक्चर बनाने में बहुत गंदा हूँ, नहीं बना सकता मैं बेसिकली, ठीक है कोई नहीं। मतलब मान के चलो एक पैन है और हमने एक प्लेइंग कार्ड लिया और इधर मर्क्यूरी पड़ा हुआ है, तो हम प्लेइंग कार्ड को ऐसे मूव करेंगे, मूव करने से क्या होगा, ये प्लेइंग कार्ड के साथ ये मर्क्यूरी जाएगा और जाएगा किधर, इधर, बस समझ रहे हो ना। तो पैन के ऊपर ऐसे हम मतलब ये कार्ड को चलाएंगे स्पील, मतलब जो फ्लोर के ऊपर, और ये कलेक्ट होकर किधर जाएगा, जैसे हम क्या करते हैं ना झाड़ू लगा के फिर जो मतलब वेस्ट है उसको हम डालते हैं ना वो कोई पैन के अंदर, जो डस्ट कलेक्टिंग पैन होता है हमारा उसके अंदर डालते हैं, वैसे यहाँ पे मर्क्यूरी को हम स्लाइड करके कार्ड में, कार्ड को स्लाइड करके फिर मर्क्यूरी को डाल देंगे किधर, ये पैन के अंदर, या स्कूप या पैन के अंदर डाल देते हैं। बात समझ गए, हाँ या ना बोलो। यस सर, यस सर, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं क्या, हम ट्वीजर यूज करते हैं। ट्वीजर को यूज करने का मतलब है अगर कोई पड़ा हुआ ब्रोकन ग्लास पीसेस है तो उसको कलेक्ट करना। आई ड्रॉपर या सिरिंज को भी यूज कर सकते हैं, अगर मान के चलते हैं कोई बड़ा वाला मर्क्यूरी का ड्रॉप्स पड़ा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, नीडल खोल देंगे सिरिंज का और वो सिरिंज से हम ड्रॉ करके फिर कलेक्ट करते जाएंगे क्या, जो मर्क्यूरी। आई ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डॉक टेप यूज करेंगे या स्टिकी टेप यूज कर सकते हैं, अगर छोटा छोटा सा ड्रॉपलेट्स हैं तो वो ड्रॉपलेट को यूज करने के लिए, मतलब निकालने के लिए जो डॉक टेप है या टेप है वो टेप को यूज करके फिर इसको ला सकते हैं। मटेरियल फॉर डिकंटामिनेशन, ठीक है, डिकंटामिनेशन मतलब क्या, यहां पे फ्लोर का डिकंटामिनेशन, ठीक है, फ्लोर जहां पे पड़ा हुआ है, मान के चलते हैं ये हो गया फ्लोर, इधर से हमने मर्क्यूरी स्पील जो हुआ था इसको निकाल दिया, निकालने के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ पड़ा हुआ है छोटा सा, तो इसमें फ्लोर को क्लीन करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द विनेगर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कॉटन स्वैब्स फॉर फाइनल क्लीनिंग व्हेन यूजिंग द सल्फर पाउडर। कमर्शियल डिकंटामिनेट सॉल्यूशन आता है, अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉटन स्वैब विनेगर यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर कमर्शियली जो मिलता है हमें खरीद के वो लेके आना पड़ेगा, क्या 10% सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन या मिक्सचर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एंड EDTA। सो दिस आर कमर्शियल डिकंटामिनेट सॉल्यूशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। डिकंटामिनेशन के लिए क्या यूज करना, विनेगर, जल्दी बताओ, थोड़ा बोल तो दो एटलीस्ट, विनेगर यूज करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कॉटन स्वैब, या फिर हाँ खरीद के अगर लेके आएंगे तो खरीदने के लिए क्या मिल रहा है हमें, 10% सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एंड EDTA, ठीक है। नाउ स्टेप्स फॉर क्लीनिंग द स्पील, अभी हमें स्टेप जानना जरूरी है कि कैसे मर्क्यूरी जो स्पील हुआ था उसको हम कैसे क्लीन करेंगे। पहले क्या करेंगे, जहां पर स्पिलेज हुआ है वो जगह से लोगों को हटा देंगे, भाई खाली कर दो ये जगह, एवैक्यूएट द एरिया, ठीक है ना, हम इसको क्लीन करेंगे। नाउ पुट ऑन द मास्क पहनो, PPE पहनो, रिमूव द ज्वेलरी पहले से ही रिमूव कर दो, वेयर द ग्लोब्स, लोकेट द मर्क्यूरी बीड्स, लोकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, द फ्लैश लाइट या लाइट यूज करेंगे, ठीक है ना, लाइट या टॉर्च को यूज करेंगे तो साइनी मतलब जो मर्क्यूरी है वो साइन करेगा तो हमें दिखाई देगा इधर उधर पड़ा हुआ है। देन यूज द सिरिंज विदाउट ए नीडल और आई ड्रॉपर एंड स्टिकी टेप टू कलेक्ट द मर्क्यूरी। देन कलेक्ट किधर करेंगे,
कलेक्शन इन ए लीक प्रूफ बैग और कंटेनर. अगर एलिमेंटल वाला है तो किधर कलेक्ट करेंगे, एक आइदर मतलब एक क्या ग्लास वाला हो या फिर प्लास्टिक वाला कंटेनर जिसमें आधा पानी भरा हुआ हो या फिर वेपर सेपरेशन एजेंट भरा हुआ हो. देन क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर सरफेस, फ्लोर को क्लीन करेंगे विथ कंटामिनेटेड मर्क्यूरी एंड क्लीनिंग ऑफ द रूम सरफेस. इसमें क्या यूज करना फ्लोर को क्लीन करके लाने के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर विनेगर यूज करेंगे, कॉटन स्वाब यूज करेंगे या सोडियम थायोसल्फेट या फिर सोडियम थायोसल्फेट प्लस EDTA, ठीक है ना. देन लेबलिंग कर देंगे. लेबलिंग क्या करेंगे भाई, इसमें मर्क्यूरी है, दिस इज डेंजरस, दिस इज हैजर्डस, हाँ या ना बोलो. देन विल स्टोर इट, मर्क्यूरी को स्टोर करेंगे एंड विल सेंड फॉर रिसाइकलिंग, ठीक है, रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे क्योंकि मर्क्यूरी को कभी डिस्कार्ड नहीं किया जाता, रिसाइकिल किया जाता है. यू शुड रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. जब यहाँ पे एक तो क्वेश्चन आया हुआ है, डर्निंग एंड डफिंग के लिए यहाँ पे हमें जो PPE पहनना होगा, यहाँ पे डर्निंग एंड डफिंग का सिक्वेंस पता है क्या किसी को, मतलब किसके बाद क्या पहनना चाहिए जो PPE का, डर्निंग एंड डफिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा आगे भी. उसका जो सू कवर पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, सू का जो कवर होता है सर, सू कवर, देन सू कब, उसके बाद PPE जो ड्रेस होता है उसको पहनना चाहिए. और उसके बाद जो मास्क और जो कैप, नहीं सर, फर्स्ट तो कैप पहनना चाहिए, उसके बाद मास्क पहनना चाहिए, और लास्ट में ग्लोव्स और जो फेस शील्ड. ना अभी ये तुम्हारे लिए टास्क है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे डर्निंग का सीक्वेंस एंड डफिंग का सीक्वेंस ग्रुप में भेजना, ठीक है, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क. क्या भेजना है मुझे, डर्निंग एंड डफिंग, ये कोई बड़ा वाला सवाल है नहीं, सबको पता है, बट यू नीड टू नो कि डर्निंग एंड डफिंग का सीक्वेंस क्या है. और ऐसा नहीं है कि मैं ये समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, दिस आर वेरी सिंपल स्टेप्स. तो डर्निंग एंड डफिंग का ये तुम्हारे लिए टास्क है, स्टेप्स लिखना, एक पेपर के ऊपर लिखो भेजो या फिर व्हाट्सएप में डायरेक्टली 1, 2, 3 करके स्टेप लिखो, तुम्हारा मर्जी तुम कैसे लिखो, पर इट शुड कम इन दिस ग्रुप, ग्रुप में आना चाहिए, दिस इज अ टास्क फॉर यू. मतलब ये हमारा क्लास तो 8:30 तक होना चाहिए था, अभी 8:10 हुआ, अभी 20 मिनट तुम पढ़ो और 8:30 तक मुझे मिलना चाहिए आंसर, हो जाएगा, यस सर, हो जाएगा, हाँ या ना बोलो जल्दी जोर से, यस सर, ओके फाइन, बंद करूं क्लास, थैंक यू सर, ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट.